दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। जब बिजनेस की शुरुआत की थी दोस्तों, पापा जी की साइकिल थी। पापा जी मेरे सामने मुझे एक साइकिल दिलाई थी उन्होंने, जिस साइकिल से मैं कभी स्कूल कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। लेकिन आज ये मामूली सा लड़का इस सिस्टम की वजह से, अपने गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से पत्र से बोलता है, ये साइकिल पर चलने वाला लड़का आज अपनी खुद की शानदार न्यू ब्रांड एसी कार में आज चलता है। न्यू ब्रांड एसी कार। थैंक यू। जो लड़का कभी एक छोटे से पिकनिक के भी ऊपर नहीं जा पाता था, एक छोटा सा स्कूल का टूर मैनेज नहीं कर पाता था, आज लड़का गर्व से बोलता है सिस्टम की वजह से, अपने गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से हिंदुस्तान के भीतर ऐसा कोई महंगे से महंगा टूरिस्ट स्पॉट नहीं बचा जिसका मजा 5-स्टार होटल में रुककर लेने का नहीं। ये लड़का नैनीताल बोलो, गुड़गांव बोलो, शिमला बोलो, गोवा बोलो, जैसलमेर बोलो, जो मन में आए तो बोलो, हिंदुस्तान को तो छोड़ो, हिंदुस्तान तो छोड़ो, ये लड़का आज वो लड़का है इस सिस्टम और अपने गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से अभी हाल ही में सिंगापुर और मलेशिया जैसे शानदार इंटरनेशनल टूरिस्ट की वजह से लेके आया। करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद अगर मेरे साथ दो नहीं बने तो मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरी बात को कौन मानेगा, मेरे साथ कौन जुड़ेगा, ये विचार मेरे दिमाग में चल ही रहा था। तो उन्होंने सामने बैठकर मुझसे पूछा कि अजय जी अब आपके मन में क्या चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि सर सब कुछ तो सही है, मैं करना भी चाहता हूं, मैं कर भी सकता हूं, लेकिन अगर मेरे साथ दो नहीं बने तो। उन्होंने दोस्तों मुझसे एक सवाल पूछा, एक सीधा साधा सवाल उससे उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी मुझे एक बात बताओ कि मरने के बाद एक मुर्दा कितने लोगों के कंधे पर चलता है? मैंने भी कहा चार। उन्होंने बोला मरने के बाद अगर एक मुर्दा अपने लिए चार कंधों को तलाश लेता है तो अजय पंडित जरा सोच, अगर तू जिंदा है तो जिंदा रहते हुए मुर्दे का 50% काम तो कंधों को तलाश नहीं सकता क्या? दोस्तों एकदम तीर की तरह ये बात सीने में चुभ गई और लगने लगा कि अगर मैं जिंदा हूं तो मरने से पहले अपने लिए दो कंधों को तो मैं जरूर तलाश के ले आऊंगा। मेरे साथ दो लोग भी आए, मेरे साथ चार लोग भी आए, मेरे साथ 16 लोग भी आए। अरे बात छोड़िए गिनतियों में, मेरे साथ 1000 आया, मेरे साथ 2000 आए, 3000 आए, 4000 भी आए, 5000 भी आए, 6000 भी आए, 7000 भी आए, 8000 भी आए, 9000 भी आए, और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में 10000 लोग पूरे हिंदुस्तान में मेरे साथ काम कर रहे हैं। 10000 लोग। क्या मांग के मेरे पापा ने 3000 रुपए दिया मकान मालिक को जब मैंने किराया दिया, तब दोस्तों दोबारा भरतपुर के भीतर मैंने काम करने की शुरुआत की। दोस्तों इस हालत में इस बिजनेस को करने की शुरुआत की थी, परिस्थिति यह थी कि 1000 रुपए का कमरे का किराया भी इस शहर के भीतर मेंटेन करना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों आज गर्व से कहता हूं इस बिजनेस की वजह से, आज अपने अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से, सिर्फ 3.5 साल की मेहनत के बाद 50 लाख रुपए का मकान का मालिक आज ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जो इस शहर के भीतर 1000 रुपए का कमरे का किराया नहीं मेंटेन कर सकता था। तुम्हें आज अगर इस सर्दी को बर्दाश्त कर लिया, आज यदि तुमने इस गरीबी को बर्दाश्त कर लिया, तो विश्वास कर जो तेरे गुरु कहते हैं कि एक दिन तेरे जिंदगी से गरीबी मिट जाएगी और तेरा भी नसीब अमीरों की तरह चमक जाएगा। आज चमक गया, आज चमक गया, चमक गया, चमक गया, आज चमक गया।
घड़ियां बिका करती थी, 150 रुपए की घड़ी मिलती थी, 200 रुपए की घड़ी मिलती थी, चाइनीज वाली घड़ियां आपने देखी है कि नहीं देखी है, चाइना वाला माल वो घड़ियां। और मेरा ये मानना था कि जो घड़ियां जो होती हैं वो सिर्फ समय बताने के लिए होती है, बाकी इसका दूसरा काम क्या। वो 150 रुपए की घड़ी पहन के मैं खुश हो जाया करता था। और जिंदगी में सबसे महंगी घड़ी जो मुझे पहनने को मिली वो मेरी शादी पर मुझे मेरे ससुर जी ने मुझे तोहफे में दिया, 2000 रुपए की घड़ी दी थी। और मुझे लगा कि शायद जिंदगी में इससे महंगी घड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं यही समझता था कि घड़ी सिर्फ समय दिखाने के लिए होती है। लेकिन दोस्तों आज फक्र से कहता हूं, इस बिजनेस की वजह से, अपने अपलाइन की वजह से, जो लड़का कभी अपने जिंदगी में 150 रुपए से ज्यादा कीमत की घड़ी नहीं पहन पाया, इस बिजनेस की वजह से लाखों रुपए कीमत की राडो जैसी घड़ी को पहनता है, इस बिजनेस की वजह से। शहर में जब मैं आया था लोग एक आदमी मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं था। जब एक आदमी के घर में अविनाश जी के साथ जब मैं जाता था तो लोग बोलते थे कि छोड़ो भाई साहब, इस शहर में कितनी कंपनी आई कितनी चली गई, यहाँ ये सब चलता नहीं है, यहाँ कितनी कंपनी आई कितनी चली गई, आपका पल्ला इधर चलेगा नहीं, आप ठहरे आगरा वाले, आप क्या जानो बिहार की जमीन को, आप क्या जानो इस जमीन पे काम करने का तरीका, आपको क्या पता है बिहार में काम कैसे किया जाता है। उस समय सत्येंद्र प्रसाद जी ने पूछने की बात कही कि अजय पंडित, जो लोग तेरे से बोलते हैं कि यह हो नहीं सकता, यह हो नहीं सकता, यह हो नहीं सकता, सारा बड़ा बच्चा अगर तुम्हें वो है, रुक, इन सब रुक, सालों को करके दिखा दे, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, आज हो गया, आज हो गया, आज हो गया, आज हो गया। थैंक यू। एक आदमी नहीं मिलता था आज इस हॉल के भीतर, लोगों को बैठने की जगह नहीं, जबकि 1000 कुर्सियां इस हॉल के भीतर है, फिर भी लोगों को बैठने की जगह नहीं। आज आलम ये है, आज आलम ये है, मेरी टीम ने दिन रात एक करके मेहनत की, कभी पलट के ये नहीं बोला कि ये काम करना है तुम चुप, सिर्फ एक ही बात उन्होंने बोली, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर। आज नाद है मुझे कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम संभाले, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मजबूत टीम आज मेरे पास में। क्या जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी चाहिए, यस या नो? क्या जिंदगी को जरूरतों की जगह चाहतों के साथ जीना चाहते हैं, यस या नो? चाहते हैं, यस या नो? बता के बताओ कितने लोगों को लगता है कि चाहतों के साथ जीवन चाहिए, क्या बात है, चाहतों के साथ जीवन जीने वालों के लिए एक जोरदार ताली दोस्तों आप